चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। योगी सरकार होती है, 1-2 करोड़ का कई मामला होता है, अवैध जमीन का कैसे भी लगाओ वहीं पे बुलडोजर चल जाता है। और हमारे बीजेपी सरकार में यह देखने को नहीं मिल रही है भाई हमारा पेमेंट क्यों नहीं हो रहा, उसके पीछे क्यों नहीं लग रही सरकार। भाई सप्ताह ही दिखानी पड़ेगी कुछ भाई चाक भाई मिल भी बंद ना हो भाई 1-2 दिन के लिए तो सहन करना पड़ेगा। 1 दिन तो मिल बंद कर दो, 2 दिन मिल बंद कर दो, ले लिया जगीन है। अगर कोई बोल लगा जाता है एनकाउंटर या जेल, 2 चीज ले जाएंगी। 70,000 किसान है, इसे एक होकर लड़ाई को लड़ेंगे और हमें सुनिश्चित कामयाबी से मिलेगी। किसान भाइयों, जैसे कि आपको पता है कि 95 दिन से शामली शुगर मिल में धरना चला हुआ था, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए उसमें, लेकिन हम जो है धरना बहुत ही शालीनता से चलता रहा, धरने में उतार चढ़ाव आए लेकिन उसमें धरने में को हमने टिकने नहीं दिया। संघर्ष तो करना पड़ेगा, जोर का करना पड़ेगा, नोनी एक वक्त है तक आज यो 10 इकट्ठे होकर चल पड़ेंगे। 15 तारीख को थर में हिम्मत हो काम के ट्रोली लेकर वहाँ डाने की प्रशासन से बैठना पड़ेगा, मिल वाले से बैठना पड़ेगा। भाई सप्ताह ही दिखानी पड़ेगी कुछ भाई चाक भाई मिल भी बंद ना हो भाई 1-2 दिन के लिए तो सहन करना पड़ेगा। 1 दिन तो मिल बंद कर दो, 2 दिन मिल बंद कर दो, ले लिया जगीन है। आज ऐसा मामला है करने का, आपका रेट बढ़िया चल रहे बाहर, कोई दिक्कत तो है नहीं, अखबार थारा गांडा नहीं जाने का, समय तो पटागा। 1-2 दिन इसलिए बंद होती इसकी बहुत मोटा नुकसान है फैक्ट्री को अगर बंद होती है, इतना इस पर दबाव नहीं पड़ेगा, यू इतना पेमेंट देने का नहीं। पंचायत जो आ रखे गए लोन में, ये हमारा धरना चल रहा था गन्ना मिल में भुगतान के लिए, और ये शर्त रखी गई थी और ये जो भाई अगला सीजन चलेगा 14 दिन में भुगतान देंगे और दे रहे 14 दिन से पहले दे रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये थी कि पुराना जो भुगतान है उसको भी हम हर महीने लगा देंगे, लेकिन 2 महीने होने को आ रहे 5-4 दिन दे रहे, तो इन्होंने कोई भी बका भुगतान में कोई भी किस्त जारी नहीं की। वे तो मिल पूरा चला गए, अप्रैल तक चला गए, जब तक भी चलेगा तो वे तो भाग जाएंगे, फिर क्या दबाव बनाऊंगा उन पर। तो हम तो चलते चलते ही प्रक्रिया करेंगे, चलते चलते ही पेमेंट लेंगे। जिसके पास फैक्ट्री है 400-450 करोड़ की फैक्ट्री ले रहा, उसके द्वारा पीसों की तो कमी नहीं होती, बस की एक मंशा है देने की या ना देने की। लेकिन हम इसमें कहना चाहेंगे कि अगर 15 फरवरी तक हमारा भुगतान नहीं होता तो हम इसमें धरना रखेंगे, इसमें जाम करेंगे, गन्ना बिल्कुल बंद कर देंगे, क्योंकि बिना दाब के रस नहीं निकलता। 215 करोड़ के आसपास हमारा भुगतान है, बहुत पैसा बैठता है। देखो आप, योगी सरकार होती है 1-2 करोड़ का कई मामला होता है, अवैध जमीन का कैसे भी लगाओ वहीं पर बुलडोजर चल जाता है। और हमारे बीजेपी सरकार में यह देखने को नहीं मिल रही है भाई हमारा पेमेंट क्यों नहीं हो रहा, उसके पीछे क्यों नहीं लग रही सरकार। किसान बिरादरी तो वह है 70% है इस देश में, ये तो 4-2 दिन में शासन को बदलता है, ये तो पेमेंट ही है, ये तो सौदा ही कुछ नहीं है, पर बना नहीं रहे, बनाते नहीं, आज भी हम जातिवाद में बचे हुए हैं। यु समय सा है, इब का इलेक्शन आखिरी का इलेक्शन है फिर इस देश में, अगर मोदी आ गया तो इलेक्शन नहीं होने का, जितने नेता हैं तो वहाँ जाएंगे काले पानी, अगर कोई बोल लगा जाता है एनकाउंटर या जेल, 2 चीज ले जाएंगी। इसमें जो गारंटर बना वो ADM पद बन रहा, क्योंकि ADM ने 95 दिन धरने पर मौखिक रूप से भी और लिखित रूप से भी स्टाम्प पेपर पर अपने साइन कर रखे, वो भी अपनी बात से मुकर रहा। जो ADM भी जो संविधान ने हमें अधिकार दे रखा कि जो नागरिक यहाँ रहेगा वो अपना कर्तव्य भी निभाएगा और अपने अधिकारों की रक्षा भी करेगा। जब किसान अपना टाइम पर माल दे रहा है, इनका 24 घंटे फैक्ट्री चलवा रहा, तो ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ा है कि पेमेंट कहाँ से दे रहे, कैसे देंगे। भाई 14 दिन का रूल है भाई, तो जैसे ही सिस्टमेटिक तरीके से आ रहा है ऐसे ही
पुराना भी देना चाहिए था खाते में तो। एक बात चाह रहे के जो हमारी पेमेंट की किसानों की मांग है वो जायज है, जो हम हक है, संविधान लड़ाई लड़ रहे हैं सबको अधिकार दिया। और हम तो ये बात कहे हमारे संगठन और भी हैं, शास्त्री भी हैं, सभी से एक हो गए किसान की लड़ाई मान के, अपनी लड़ाई मान के, क्षेत्र के जितने भी जो है संबंधित किसान हैं, 70,000 किसान हैं, इसे एक होकर लड़ाई को लड़ेंगे और हमें सुनिश्चित कामयाबी से मिलेगी।